तो एक्चुअली बहुत बड़ा कैंपेन है जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ना। एक्चुअली ये जो कैंपेन जो है ना, गवर्नमेंट करना चाहिए, जो डिपार्टमेंट वहाँ में, जो जैसे PDS का डिपार्टमेंट आपने सुना होगा, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, उनका ही काम को ये जो इंडिजिनियस मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन फॉर रिफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट का काम को ये लोग कर दे रहे हैं, जैसे आप लोग का यूनिवर्सिटी में भी जितना भी पढ़ रहे हैं लोग, बहुत लोग अपना ये स्कीम को मालूम नहीं होगा, अपना विलेज में, गांव में, सर्कल ब्लॉक में बहुत सारा स्कीम होता है, AAY वो सब, BPL APL का सारा मतलब स्कीम होता है। जैसे प्राइस ऑफ जैसे राइस फॉर BPL का तो 3 रुपीज़ होता है, 4 रुपीज़ है, APL का 25, 10 रुपीज़ अराउंड का, क्या अलग अलग लोकेशन का ही सबसे होते हैं। तो इस टाइप का बहुत ज़्यादा मतलब स्कीम है जो रूरल में है, विलेज में है, उसको लोग पब्लिक मालूम नहीं है, और यहाँ के जो है बहुत लोग एजुकेटेड लोग भी मालूम नहीं है आजकल तो, लेकिन वेबसाइट में पूरा दिया हुआ है और उसको कोई फॉलोअप बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन ये जो भाई लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो वुमेन अगेंस्ट करप्शन ये जो टीम है ना, अच्छे काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो कैंपेन जो हम लोग सब मिल के यहाँ एजुकेटेड लोग है, यूनिवर्सिटी कॉलेज का लोग करना चाहिए और उसको सपोर्ट करना है, ये अच्छे काम के लिए कर रहे हैं। जो बेनिफिशियल कौन होगा, हमारे जो गांव के लोग है, आपके यहाँ के जो अभी जैसे अरुणोदय यूनिवर्सिटी का माँ पिताजी लोग भी काफ़ी बेनिफिशियरी हो गए रूरल एरिया में, उनको हो गए। इसलिए आप लोग ऐसे मतलब मासेस आना है कैंपेन में, कोई लेप्सेस नहीं होना है, सब जुनून आवाज़ को उठाने में सब एक साथ होना है, एकजुट होना है, एक वन स्टैंड होना है। तो सर ये सिग्नेचरी जो कैंपेन है, जैसे आपने बताया कि वुमेन को करना चाहिए सब चीज़, तो गवर्नमेंट लेवल में आप मैंने जैसे आप कुछ बोला, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो कंसर्न जो गवर्नमेंट में मिनिस्टर होता है, MLA होता है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी होता है, तो उन लोगों का काम है स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाना चाहिए। यहाँ में जो PDS में कैसे घोटाला हो रहा है, माफिया चल रहा है, एक एग्जांपल जैसे हमारे जो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एक वेशंग में मतलब स्टॉक, हाँ वेशंग में होते हैं, और प्राइस शॉप जो है ना, फेयर प्राइस शॉप जो है सपा टाउन में होता है, तो टाउन डिस्टेंस है ऑलमोस्ट ज़्यादा 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ही है, लेकिन उसको 80-90-100 किलोमीटर बना के बिल ले रहा है, ये गलत है। जैसे सिपा टू सावा में पहुंचा रहा है, बामिंग में, ताजो में, लादा में, कनेवा, पीपू, ग्यावे, पुरंग में पहुंचा रहा है बोल के, वहाँ कॉन्ट्रेक्टर लोग बिल लेना तो गलत है ना, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है, तो उसको तो एक्सपोज करना है। तो वेशंग का सिपा डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर नहीं है ना, 10 किलोमीटर भी इवेंट नहीं है, तो इस टाइप का मतलब बेवकूफ़ नहीं बनाना है। और काफ़ी जैसे क्रुंक में हम लोग का जो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, जो ईस्टर्न साइड में भी, वेस्टर्न साइड में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट है, जो एक्चुअली आजकल का दिन में PMG रोड पहुंच के हर बस्ती में रोड कनेक्टेड है, ब्लॉक सर्कल विलेज में पहुंचना चाहिए, उसका ऐसे सिस्टम बनाया हुआ है PDS में, गांव-गांव में पहुंचा के मतलब चावल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आटा है वो बोलो, तेल भी होता है ना, काफ़ी मतलब आइटम्स से होता है, बस्ती में जाके डिस्ट्रीब्यूट करना है। सुना है कई जगह में मतलब स्कूटी का एयर नंबर को, मतलब नंबर प्लेट को, बाइक का नंबर प्लेट यूज़ करके, ये ट्रक है, कैरेज कॉन्ट्रेक्टर का गाड़ी है बोल के बिल लेने वाला भी बहुत सुन रहे हैं। तो ऐसे को एजेंसी मतलब जांच करना चाहिए, जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो अपना जो एजेंसी है ना, SIC बोलता है, जो करप्शन को चेक करने वाला, अभी जो पेपर लीकेज में काफ़ी अरेस्ट हो रहा है इस तरह का, वहाँ भी चाहिए। गरीब लोग बहुत डिप्राइव हो रहा है, खास के बस्ती में जो है BPL क्लास का होता है, जो उसका पास गाड़ी नहीं है और घर नहीं है, बहुत तकलीफें जी रहा है, उनको उनके लिए मतलब सर्विस करना है। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है, टू सर्व द पीपल ना, गरीब से गरीब को सर्व करने के लिए, तो इसलिए मतलब गवर्नमेंट का काम है, और खास के स्टेट गवर्नमेंट इसको मतलब सीरियस लेना चाहिए, लाइटली नहीं लेके सीरियस लेना चाहिए। जो विलेज में, कौन सा विलेज में रोड पहुंच गया, वहाँ तक राशन को पहुंचा देना चाहिए, फूड, खास के आटा है और चावल है,
और वहाँ में डिस्ट्रीब्यूशन जो प्राइस फेयर प्राइस शॉप होता है ना डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो रखा है सर्कल हेडक्वार्टर में रखा है उसको गांव गांव में अभी एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि रोड कम्युनिकेशन आ गए ना, तो बीच में क्यों वहाँ में कोई मिडल मैन खाते रहेंगे, ब्रोकर बैठे रहेंगे हर जगह में। ये मिडल मैन ब्रोकर सिस्टम से हमारा सिस्टम बिगड़ रहा है ना, और करप्शन ज़्यादा भरा रहा है। वो आप काफ़ी दिखा होगा ये जो पेपर लेके ब्रोकर लोग काफ़ी अरेस्ट हो रहा है मिडल मैन लोग, इस तरह का ये जो पीडीएस में भी। और एक तो यहाँ में सिस्टम चल रहा है यहाँ में मैंने करप्शन चल रहा है सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरी। एक्चुअल में मतलब जो आदमी गरीब है बीपीएल है वो लिस्ट में नहीं आते, जो नहीं आना चाहिए इसका मतलब गाड़ी घोड़ा है बिल्डिंग है वो बीपीएल बोल के भी लिस्ट में आके कितना बेनिफिट उठा रहा है उसको गवर्नमेंट जो डिलीट करना है लिस्ट है ना। और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में सीओ होता है, वीडियो डीसी है, एडीसी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये सब को जांच करके चेक क्रॉस चेक करके डिलीट करना है। ये काफ़ी अपील में लिखा है उसको रीवेरिफिकेशन करना है, री आइडेंटिफिकेशन करना है, ये मतलब लोकेशन और प्रॉपर विलेज टाउन एक एक ऐसे होता है कि ये बीपीएल है लेकिन उसका ईटानगर में भी जमीन जगह घर है बिल्डिंग है गाड़ी घोड़ा है, टाउन में अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है ब्लॉक में है सर्कल में है इतना ऐसे दंड डलद है वो कैसे बीपीएल हो। और असली का रियल बीपीएल को कुछ रिकॉर्ड में नहीं होता है लेकिन बड़ा बड़ा ऐसे नेता है ऑफिसर लोग हैं कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है वो अपना नाम में तो नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट वो को फिर इतना जल्दी में जिनमें कोई बीपीएल नाम से भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। पीएमजे से हम सुना है पीएमजे से रोड में भी बहुत काफ़ी लोग बीपीएल है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर है। अभी इसको ऑडिट करने के लिए कुछ डर लग रहा है क्योंकि बीपीएल को गलती से वह कॉन्ट्रैक्टर बना दिया बोल के ऐसे ऐसे कोई लोग बहुत टेंशन से भी बीमार बहुत पैदा हो रहा है अभी। और अभी इसको भी जांच करने से काफ़ी निकालेगा दूध का दूध पानी का पानी जांच होगा तो जरूर चीज़ जो निकालेगा उसको सुधारना चाहिए सिस्टम में। आज जो ये जो मास सिग्नेचर कैंपिंग में कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया हुआ कितना मेंबर लोग पार्टिसिपेट किए? ये तो आज फर्स्ट टाइम जो लॉन्च किया है कि आपका जो अरुणोदय यूनिवर्सिटी का कंपाउंड में तो ये तो फर्स्ट टाइम ही होगा और ये फर्स्ट टाइम लॉन्च करा। अभी 5 डेज का टाइम है ना उसका बाद ये देखिए आप यहाँ में पीछे में दिखा रहा है उसका बाद और 3-4 डेज कॉलेज यूनिवर्सिटी में और जहाँ पब्लिक मासेस आएगा वहाँ साथ करेंगे। सर आप लोग कहाँ कहाँ पे करेंगे यूनिवर्सिटी कॉलेज समथिंग? एक्चुअली ये तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना इंडिजिनियस मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन एंड फॉर रिफॉर्मेशन ये ऑर्गेनाइज किया है यही मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा करके जहाँ एजुकेटेड पीपल हैं उसका पास जाके कैंपेन सिग्नेचर को ये जो ड्राइव चल रहा है वो हर जगह में चलेंगे। कर पाएंगे क्या क्या डिमांड अपने रखा है? मैं प्रीवियस गवर्नमेंट को तो ब्लेम नहीं करूँगा, उसको ब्लेम करके भी कुछ मिलने वाला नहीं, पहले जो हो गया हो गया। तो इस गवर्नमेंट से हम रीमोडिफिकेशन चाहता हूँ, री आइडेंटिफिकेशन चाहता हूँ, री अलाइनमेंट चाहता हूँ, क्योंकि आपका आज का डेट में देखो बहुत सा रिपोर्ट डाला है हम लोग ये इसका बोलता है पीएचएच का बेनिफिशरी लिस्ट को देखा ज़्यादातर फॉल्स बेनिफिशरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिशरी को घर बनाने वाला को देखा है आप छोटा सा 1 लाख एबव पैसा लेके 50-60 घर बना रहा है वो तो गरीब नहीं हो सकता ना। अभी हमारा ये भी है तो इसका सबसे बड़ा डिफेक्ट जो आपका सोशियो इकोनॉमिक सर्वे 2011 का है तो इसमें कोई बेनिफिशरी का नाम को डिस्क्लोज नहीं किया है। मतलब जैसे वेरियस टारगेट ग्रुप होता है जैसे आपका बिलो कॉलेज व स्कीम हो गया अनएम्प्लॉयमेंट का हो गया जैसे विडो हो गया जैसे जिसका पति पत्नी मर गया और जैसे आपका बहुत सा स्टूडेंट और स्टूडेंट का एजुकेशन सेक्टर में भी जैसे गरीब बच्चा लोग का बहुत स्कूल है ऐसे वाला में भी बहुत रिपोर्ट आ रहा है कि धनी धनी आदमी लोग पढ़ रहा है बोला तो इसलिए हम लोग एक चाहता है कि एक फ्रेश सोशियो इकोनॉमिक सर्वे डिमांड कर रहा हूँ। फ्रेश सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग ये डिमांड कर रहा है कि आप पहले जैसे जो गलती की है उसको ऐसे ना करें, आप डोर टू डोर जाके आपको वेरीफाई करो कौन गरीब है कौन ओल्ड है कौन अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये है। सेकेंड में वो कि हम लोग ये डिमांड करता है कि वो बेनिफिशियरी एलिजिबल बेनिफिशरी लिस्ट को डिस्प्ले करना है जैसे ओल्ड एज होने से मतलब किस गांव में कौन कौन आदमी नाम है ओल्ड एज आदमी जो बिलो पॉवर्टी
और हाउस होल्ड में कौन कौन सा पार्टिकुलर हाउस जो बेनिफिशरी सिलेक्शन हुआ है इसको डिस्प्ले करना है। इस बार का लास्ट 2011 का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जैसे ऐसे नहीं करना है। तो सेकंड में हम लोग ये बोल रहा है कि सर्वे कंडक्ट करने के बाद में आप फॉल्स बेनिफिशरी को हटाना है। आप गरीब का बेनिफिशरी को क्यों होता है कहते नहीं है तो आप निकल जाइए। ओल्ड एज का स्कीम में तो आपको अंडर एज वाला नहीं ले सकता ना। तो जैसे गरीब आदमी का स्कूल में गरीब आदमी के लिए गवर्नमेंट खोल के रखा तो धनी वाला धनी बच्चा लोग क्यों करेगा। आप धनी वाला जरूरी नहीं है, आप अपना एफोर्ड करके पढ़िए। तो सेकेंड में ये था कि और हम लोग ये बोल रहे हैं कि आगे से जो जैसे ग्राम पंचायत लोग सिलेक्शन करता है बेनिफिशरी या हमें कोऑपरेटर होता है आगे से सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का बेस से बेनिफिशरी सिलेक्शन करना है। जैसे एक NOC मैंडेटरी करना है, ये हम लोग सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हो गया। सेकेंड में हम लोग PDS का जो हम लोग मंगा है कि डिमांड फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड रिमोडिफिकेशन ऑफ अरुणाचल फूड सिक्योरिटी रूल। तो यहाँ में देखा तो हमारा अरुणाचल में क्या होता है आगे जो बताया बहुत सा आपका ट्रांसपोर्टेशन फिक्सेशन में आपका डिफेक्ट है। जैसे आपका हार्ड एरिया प्लेन एरिया कहता है। हार्ड एरिया मतलब जो हमारा पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ में क्या करता है कि आपका 1 किलोमीटर पहुँचाने से भी पर क्विंटल का 227 रुपीस 5600 किलोमीटर पहुँचाने से भी 227 रुपीस। इसका डिफेक्ट जो काम आ रहा देखिए तो यहाँ में जैसे अभी जीरो से आपका कमले वाला जीरो से उतरता है क्रूंग कमे वाला उतरता है। क्रूंग कमे वाला जो क्या होता है कि इतना किलोमीटर हो गया है कि मतलब वहाँ में एफोर्ड नहीं करके यहाँ में जीरो में डंपिंग करके रखा है। कैरेज कॉन्ट्रैक्ट तो रो रहा है ना इतना गवर्नमेंट हमें ऐसे डिफेक्ट की वजह से ऐसे रो रहा है। तो फिर हमारा इस कमिन में देखिए आपका वेसंग से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गोडम है। तो अभी देखो हम लोग मैं सावा से बिलोंग करता सावा मेरा 52 किलोमीटर है। हमारा एरिया का जितना फेयर प्रेस है वो सपा में टाउन में ऑपरेट करता है। कैरेज कॉन्ट्रैक्टर वाला क्या करता है जो वेसंग से 10 किलोमीटर भी नहीं होता है सो आप करता है आपका 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर वो चुहा बिल्ली का जैसे केल कल के आस रहा है ना। तो क्रूंग कमे वाला रो रहा है अगर सेम डिपार्टमेंट है सेम कैरेज कॉन्ट्रैक्टर है तो आसना है तो सभी को आसाना है रुलाना है तो सभी को रुलाना है। हम मेरा सिस्टम यही हम लोग का डिमांड था कि आपका बेस ऑन किलोमीटर का हिसाब से फेक्स करना है। इसमें भी आपका ये मैं आपका सेंटर का भी कुछ सेंटर असिस्टेंट है स्टेट का असिस्टेंट है तो इसमें रिमोडिफिकेशन को रेक्टिफिकेशन करना है। तो सेकेंड में हम लोग ये बोल रहा है कि यहाँ में देखो अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना ट्रैफिक जैसे जाम हो गया कल को इसे ये अनएम्प्लॉयमेंट सभी को तो नौकरी नहीं दे सकता है ना। तो हम लोग ये बोल रहा है कि स्टेट को एक रीऑर्गेनाइज आपका फूड कॉरपोरेशन रीऑर्गेनाइज करने का ज़रूरत है क्योंकि आपको जैसे हमें प्रोक्योरमेंट को भी आपका चावल हमारा यहाँ का चावल को भी लेके भी आपको मिड डे मील वगैरह में भी खिला सकता है। और हमारा यहाँ का चावल जो इतना प्रोटीन है ना कभी कभी आपको पर्टिकुलर बता दूंगा हमारा इस कमिंग में वेसंग आपका ये वाला लमदंग बोल के चावल लाई चावल बोलता है एक हफ्ता का आने से बदन फूल जाता है। ऐसे ऐसे चावल हम लोग अपना यहाँ में प्रोडक्ट में है उसको हम लोग मिड डे मील बच्चा लोग को खिलाने से कितना होगा। तो आज का डेट में हमारा यहाँ में कमर्शियल फार्मिंग तो हुआ है नहीं। अगर इंट्रोड्यूस करेगा तो हर कोई कमर्शियल फार्मिंग होगा वहाँ में इन्वेस्टमेंट होगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इकोनॉमिक सेक्टर बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में ये ज़रूरत है आपको रिमोडिफिकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ अरुणाचल प्रदेश ना। तट में है हम लोग का इमीडिएट प्रोहिबिशन ब्लैक मार्केटिंग ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने देखा होगा हर जगह में देखो गली गली में हर डिस्ट्रिक्ट में देखो चावल का बस्ता दुकान में फेंक के रखता है। ये किस लिए फेंक के रखता है यहाँ में सबसे बड़ा कमी भी हम लोग पब्लिक का भी है पब्लिक को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ आप दुकान में चावल सेल कर रहा है तो पब्लिक कोई पूछता नहीं है। तो बाहर स्टेट में हम लोग जाके देखता तो कोई एक छोटा सा बस्ता बेचने से पब्लिक पूछता है कि आप ये चावल कहाँ से उताया कौन सा बेनिफिशरी से उताया। तो हमारा लास्ट ईयर भी हम लोग PDS इशू को आपका रिपैकेजिंग इशू को देखो अभी ये वहाँ से जन्म हो के अभी हम लोग का मूवमेंट ये है। तो यहाँ में देखो इतना रिपैकेजिंग कर करके सेल कर रहा पब्लिक पूछता नहीं है और ये चीज़ को अवेयरनेस होना ज़रूरी है। और बाकी देखो आपका ये आशा हम लोग पर्टिकुलर PDS का बारे में ले रहा है बाकी जैसे अभी बाकी डिपार्टमेंट में भी बहुत सा फ्री ऑफ कॉस्ट में बेनिफिशरी लोग को देता है जैसे TB मेडिसिन भी फ्री में देता है
बाकी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है मार्केट में, हम लोग का कहना है कि ये सब को बंद होना चाहिए, क्योंकि बेनिफिशियरी का चावल को आप मार्केट में क्यों लॉन्च करेगा। ये है हमारा आज का प्रोग्राम जो, और टार्ट में हम लोग में आफ आर्डर प्रोग्राम को मैं अपडेट करना चाहूँगा। अभी हम लोग यूनिवर्सिटी में आरजीयू में भी हम लोग थोड़ा ओपिनियन पोल लेगा, हिमालय में भी लेगा, बाकी जैसे लो कॉलेज वाला में भी लेगा, और देन बगरा में भी, सभी में हम लोग ओपिनियन पोल लेके हम लोग गवर्नमेंट को सबमिशन करेगा। तो गवर्नमेंट को भी ये अपील करना चाहूँगा कि हम अब लोग डिपार्टमेंट जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट करने में फेल है, तो यहाँ का स्कॉलर लोग का मदद लेना चाहिए, क्योंकि बाहर स्थित में तो ये सब दिखता है ना, आपका ऑल राउंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी में स्कॉलर लोग ज़्यादा आता है, वो लोग जैसे सर्वे वर्क वगैरह में वो लोग यूज़ करता है। अभी हम लोग का यही डिमांड है कि यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट को भी आप स्कॉलर को देना है। तो लास्ट में फिर हम लोग ये आपका 5 तारीख तक रखा है, 4 तारीख को हम लोग यहाँ में पब्लिक को भी पार्टिसिपेशन कराएगा, 4 तारीख को हम लोग नालगन मार्केट में करेगा, 5 तारीख को ईटानगर में करेगा। आज का प्रोग्राम ये है हमारा।